नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मदर डे का मौका आ गया है। हालांकि हमारे लिए हर रोज माँ का दिन होता है, मदर का दिन होता है, लेकिन मदर डे का एक मौका है, खास मौका है। और इस मौके पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि माता और संतान के रिश्ते का आपकी किस्मत पर कैसा असर पड़ता है, माँ और संतान के रिश्ते का किस्मत कनेक्शन क्या है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा हो, चंद्रमा बुरा साबित हो रहा हो, तो भूल कर भी मोती धारण मत करिएगा, नहीं तो आपकी माता की सेहत बिगड़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए माता और संतान का क्या कनेक्शन है। मेष राशि वालों के जीवन में नाम यश, सुख और संपत्ति आपको माता के साथ अच्छे संबंध से ही मिल सकती है, नहीं तो जीवन में कभी भी सुख संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर माता के साथ तालमेल अच्छा नहीं होगा तो। वृष राशि, आपका आत्मविश्वास और अच्छा व्यवहार मां के साथ संबंध पर ही निर्भर करता है। अगर आपका संबंध मां के साथ अच्छा नहीं है तो आप हमेशा बीमार रहेंगे और रिश्तों से आपको नुकसान होगा। मिथुन राशि, अगर आपके संबंध माता के साथ अच्छे हैं तो अच्छा करियर और अच्छी शिक्षा आपको मां के आशीर्वाद से मिलेगी, नहीं तो शिक्षा बीच में भंग हो जाएगी और करियर के लिए ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों का मां के साथ संबंध कैसा होता है। देखिए, आपका जीवन बिना मां के नहीं चल सकता। जब जब मां के साथ आपके संबंध खराब होंगे, आप मुश्किल में आ जाएंगे, जीवन की हर एक चीज बिगड़नी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि, आपके जीवन में सुख और आनंद आपकी माता के साथ जुड़े हुए हैं, मां की कृपा पर निर्भर करते हैं। अगर माता के साथ संबंध खराब होंगे तो जीवन सुखहीन हो जाएगा। कन्या राशि, जीवन में एक एक पैसा आपको मां के आशीर्वाद से ही मिलता है। अगर आपके संबंध मां के साथ अच्छे नहीं है तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। अब ये जानते हैं कि तुला राशि वालों का मां के साथ कनेक्शन कैसा है। भाई, तुला राशि वाले अगर अपनी मां के साथ अच्छे संबंध रखें तो बहुत चमकदार करियर और बहुत सारी सफलताएं पा सकते हैं, नहीं तो जीवन भर अच्छे करियर के लिए और सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, अपनी मां के साथ अच्छे संबंध रख करके आप अच्छा भाग्य पा सकते हैं, नहीं तो संतान से लेकर भाग्य तक आपको हर कदम पर मेहनत करनी पड़ेगी। धनु राशि, मां के आशीर्वाद से आप लंबी आयु भी पा सकते हैं और आकस्मिक समस्याओं से बच भी सकते हैं। अगर आपका संबंध मां के साथ अच्छा नहीं होगा तो आपको कदम कदम पर अचानक आने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं मकर राशि और माता के कनेक्शन की। बिना माता के मकर राशि वालों को अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं मिल सकता, इनका कारोबार अच्छा नहीं हो सकता। अगर मां के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, राशि मकर है, तो बेहतरीन वैवाहिक जीवन और अद्भुत व्यवसाय का फायदा आपको जरूर होगा। कुंभ राशि, मां के साथ अगर आपके संबंध खराब हो जाएं तो आपको कर्जा, मुकदमेबाजी और अपयश का सामना करना पड़ सकता है। मां का अगर आशीर्वाद हो तो आप जीवन में बेहतरीन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। मीन राशि, मां के साथ संबंध जितने अच्छे होंगे, संतान पक्ष और शिक्षा उतनी ही बेहतरीन होगी। अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, हर सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं और घर में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें, और जब जल चढ़ाएं, जब मंत्र जपें तो ये प्रार्थना करें कि माता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। निश्चित रूप से माता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।
फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।